संजय सिंह ने भाजपा पर लगाया आरोप, केजरीवाल की बीमारी का उड़ाया जा रहा मजाक, रची जा रही गहरी साजिश। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा LG और PR प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा राजनीति के न्यूनतम पायदान पर पहुंच गई है। कल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा के नेताओं को शुगर की परेशानी नहीं है, उनसे पूछे कि इस बीमारी से उन्हें कैसे कैसे जूझना पड़ता है। आपको याद होगा जब मैं जेल में था और अपनी एक कोर्ट की तारीख पे आया था तो मैंने एक बयान दिया था, जबकि मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से। बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। उस समय कई बार मेरे बयान पे लोगों ने आपत्ति की थी कि ये कैसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं, वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं। और अब जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी और चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के परिवार की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है, किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है, क्योंकि एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब खुलेआम देख रहे हैं। उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है, पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है, और तो और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के अधिकारी हों, LG के ऑफिस के अधिकारी हों या जेल प्रशासन के अधिकारी हों, ये मिलकर उनके बारे में रोज षड्यंत्रपूर्ण खबरें मीडिया में देते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, षड्यंत्रपूर्ण साजिशन, गहरी साजिश के तहत जेल के प्रशासन, LG ऑफिस के अधिकारी और ED के अधिकारी मिलकर मीडिया में बाहर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।